नमस्कार, मैं हूं आदित्य नारायण। मैं हूं दीक्षा तूर। और आप देख रहे हैं हमें ऑन फीफा फूज। आदित्य और दीक्षा, आप लोगों का स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू। और हमने गाना सुना, गाना बहुत ही अमेजिंग है, कहीं ना कहीं हमें डेफिनेटली 90s का वो फील फिर से फील कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जब आप उस प्रोसेस में थे, कैसा था? ये गाना बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ऑफकोर्स ओरिजिनल तो बहुत ही अच्छा था, और इसमें हमने एक ट्विस्ट ऐड किया थोड़ा सा, और जहाँ पे एक इसकी एक अलग पहचान है। और आई होप ओके सो ओरिजिनल तो बहुत ही अच्छा है, जिसको कोई छेड़ नहीं सकता, और वही हमने कोशिश करी। और जो अब जो मांगता है आया है, वो एक ट्विस्ट के साथ आया है जो कि बहुत ही अलग है, और अपने आप में ही एक अलग सॉन्ग है। और आई होप सबको पसंद आएगा, और रहमान सर को खासकर हम सच में चाहते हैं कि वो इस पे कुछ बोलें। और या सो सॉन्ग इज़ रियली ब्यूटीफुल, और सबको मज़ा आएगा, सब खूब इसको क्लब्स में चलाएंगे, खूब सारी रील्स बनेंगी, और बहुत कुछ होगा आई एम श्योर। एंड सिंस दिस इज़ माय फर्स्ट सॉन्ग, तो मैं काफ़ी मेरी होप्स हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू जी, मैं बहुत खुश हूँ। यू नो, कौन फ़ैन नहीं था रंगीला की साउंडट्रैक का। और मैं एक छोटा सा बच्चा था जब रंगीला रिलीज़ हुई, एंड इनफैक्ट इट्स एक्चुअली माय फर्स्ट रिलीज़। और मैं टिप्स के अलावा इकलौता सदस्य हूँ जो इस साउंडट्रैक से, ओरिजिनल साउंडट्रैक से मेरा ताल्लुक़ है। और बहुत ही स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है, क्योंकि जब पहली बार मैं रहमान सर के स्टूडियो गया था चेन्नई रंगीला रे रिकॉर्ड करने के लिए, तब वो मांगता है कि आप एक काम कर रहे थे। तो द फर्स्ट टाइम आई एंटर रहमान सर स्टूडियो, ही वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन मांगता है क्या। एंड कट टू 27 ईयर्स लेटर इस गाने का रिक्रिएशन हुआ है। और ऑफकोर्स द ओरिजिनल कंपोजर रहमान सर, श्वेता शेट्टी सिंगर अलॉन्ग विद रहमान सर, महबूब जी, टिप्स, एंड इसके जो न्यू वर्जन के कंपोज़र चिरंतन भट्ट और लिरिसिस्ट मनोज यादव, दीक्षा ऑफ कोर्स यू नो, एंड गणेश आचार्य जी ने इसको डायरेक्ट और कोरियोग्राफ किया है, पलक तिवारी, आदित्य सील अ पार्ट ऑफ द म्यूज़िक वीडियो। और बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत मेहनत की है हमने, और हमने यही कोशिश की है कि वी हैव अप्रोच दिस एज अ न्यू सॉन्ग विद अ टच ऑफ नॉस्टैल्जिया। तो यू नो, बहुत ही फाइन लाइन है, एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि उस फाइन लाइन को हमने बरकरार किया है। एंड ऑफ कोर्स नाउ द सॉन्ग इज़ ऑलरेडी आउट, जो भी मैं देख रहा हूँ अभी अपने फ़ोन पे, यू नो, इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ लव, सो आई होप इट कंटिन्यूज टू स्टे दिस वे। यू नो ऑनेस्टली, सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है, इसके आधार पर मैं अपने काम को कभी भी जज नहीं करता हूँ। आई फील लाइक एज एन आर्टिस्ट वी शुड ऑलवेज हैव फेथ इन आवर वर्क। हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमको काम दिया गया है उसको हम अच्छे से निभाएं। तो यहाँ पर ये जो पूरी टीम है, इनकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि बहुत अच्छे लोग हैं। एंड मेरा ये हमेशा मानना होता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि अच्छे इरादों के साथ जब किसी चीज़ को किया जाता है तो वो इरादे यू नो वो उस काम में, उस गाने में, उस वीडियो में छलकते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑफकोर्स है, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म है रंगीला, यू नो इट्स नॉट जस्ट एनी फिल्म, वन ऑफ द मोस्ट कल्ट फिल्म ऑफ द 90s, पाथ ब्रेकिंग सिनेमा, राम गोपाल वर्मा जी, रहमान सर, यू नो आमिर खान जी, जैकी श्रॉफ, उर्मिलाज ब्रेक थ्रू फिल्म, ऑफ कोर्स हम सब पागल हो गए थे उर्मिला जी को देखकर बचपन में। सो मोर देन एनीथिंग, लोगों से ज़्यादा हमारी ये कोशिश थी कि हम खुद को डिसअपॉइंट ना करें, क्योंकि हमारी इतनी यादें जुड़ी हुई है इस गाने के साथ, इस एल्बम के साथ, इस फिल्म के साथ। सो एज़ अ फैन, यू नो, हम हमेशा ये चाहते हैं कि जिस चीज़ को हम फैन सर्विस दे रहे हैं या ट्रिब्यूट दे रहे हैं,
हम वी गिव इट आर बेस्ट शॉट. तो वी ऑलवेज यू नो ट्राइड टू डू गुड वर्क और फाइनल आउटकम तो ऑफकोर्स ऑडियंस के हाथ में है. और साथ ही साथ क्या है कि इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अभी पिछले डेढ़ दो साल से यू नो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक इन एवरी थिंग लोग घरों में बैठे थे, बहुत मायूसी भी थी ऑफकोर्स. तो ये एक बहाना है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलें, कुछ एक आठ ड्रिंक श्रिंक पिएं, थोड़ा सा म्यूज़िक ब्लास्ट करें, चखना वखना लगाएं और यू नो या तो मैचेस देखें या तो गेम्स खेलें एक दूसरे के साथ, घूमें फिरें, ड्राइव पे जाएं, बट उसमें चुस्की मत लगाइएगा, नींबू पानी पीजिएगा. बट द आइडिया इज़ यू नो इट्स अ सॉन्ग वेयर यू कैन इन्जॉय योर सेल्फ. बच्चे इन्जॉय कर सकते हैं, यंगस्टर्स इन्जॉय कर सकते हैं और हमारे बुज़ुर्ग इन्जॉय कर सकते हैं. एंड आई होप दैट द सॉन्ग गिव्स देम अ रीज़न टू हैव फन. कोई ऐसा गाना जो मैं रिक्रिएट करना चाहता हूँ? ऐसे बहुत सारे हैं. कौन सा करना चाहूँगा मैं? टिप्स के पास इतने सारे गाने हैं. वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, व्हाट आर माई फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम टिप्स? अरे उनका ये गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो हाल दिल का इधर हो रहा है. सो आई वुड हैव वांटेड टू रिक्रिएट दैट. या अगर टिप्स की बात ना करें, अगर कोई भी गाने की बात करें तो मैं शायद और थोड़ा कोई पुराना गाना लेता, यू नो, ताकि और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए. जो हाल दिल का नहीं, लेट्स यू वांट सिंग दिस और यू वांट सिंग मांगता है. दिल की गलियां सुनी है, मन में बड़ी बेचैनी है, मुझ में उतरना, मुझ पे मरना, कुछ तो करना, करना कर देना. आई आयो एल्बो हो, मांगता है क्या वो बोलो हो, हाँ बोलो हो, मांगता है चांद ये ले लो हो, ये सुहानी ही शाम, जादू ऐसा है हमारा, जो मांगता है वो मिलेगा तुमको. बोलो बोलो क्या, बोलो बोलो क्या क्या मांगता है, बोलो बोलो क्या, बोलो जो भी मांगता मिलेगा. थैंक यू जी. जी 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 क्या है कि आजकल मुझे ऐसा लगता है, एंड आई से दिस वेरी हम्बली, दैट भारती इज़ अ ग्रोन वुमन. आई थिंक वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं. शी हैज़ अचीव्ड सो मच और उन्होंने जो कुछ भी ज़िंदगी में किया है अपने पैरों पे खड़े होकर किया है, उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं लगी. एंड आई थिंक एज अ वुमन शी इज़ परफेक्टली केपेबल ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजंस. हालांकि हर्ष के साथ शादी करना सही था या नहीं, आई एम स्टिल नॉट श्योर. सॉरी मेरा भाई, मैं मजाक करता रहता हूँ. बट यस, ऑन अ सीरियस नोट, आई फील लाइक एक माँ बिल्कुल सही तरह से जानती है कि उसको अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है. एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडीज ओपिनियंस, आई थिंक वी शुड लेट भारती डू वट एवर शी फील्स इज राइट. प्लीज़ हमारा गाना सुन लो यार, गाना देख लो यार, स्ट्रीम कर लो यार, जाओ यूट्यूब पे जाओ. क्या कर रहे हो, कितना ये इंटरव्यू देखोगे? बात तो कर ली हम लोगों ने, जाओ जाओ जाओ. मांगता है क्या, टाइप करो आप अभी तुरंत यूट्यूब पे, टाइप करो वॉइस नोट, वो क्या बोलते हैं, वॉइस एक्टिवेशन, वॉइस कमांड, बोलो लिसन टू मांगता है क्या, है ना. और आपके पास जो भी ऐप है खोलो, उस पर हमारा गाना सुनो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आप शेयर करो दोस्तों के साथ. एंड या आई मीन हमने बहुत दिल से बनाया है यार. हालांकि ये एक फन यू नो सो कॉल्ड पार्टी नंबर है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट इज गॉन इन टू इट. दीक्षा का पहला गाना है एंड शी इज सच अ वंडरफुल म्यूजिशियन एंड इतनी अच्छी हमारी टीम है. एंड बस कुछ 3-3.25 मिनट दे दीजिए अपनी ज़िंदगी के हमारे लिए. थैंक यू. थैंक यू.